नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे हिस्ट्री का जो पाठ हमारा चल रहा है बच्चों, राजा किसानों और नगर। आज उसका अंतिम भाग है पार्ट 7, जिसमें हम जानेंगे मूल बात अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो इस संबंध में कुछ विवरण मिले हैं। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, अर्थात अशोक जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने जो लेख अधिकतर लिखे हैं बच्चों, ब्राह्मी लिपि में ही लिखे हैं। 18वीं शताब्दी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली तथा देवनागरी लिपि कि कई पांडुलिपियों का अध्ययन किया है। पांडुलिपि हमने पहले बताई थी कि हस्तलिखित लेख जो आज से लिखे गए थे, ऐसे लेखों को पांडुलिपियाँ कहा जाता है। और जो हिंदी हमारी जो हम भाषा लिखते हैं बच्चों, वो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। लेकिन अशोक के शासनकाल में ब्राह्मी लिपि में अधिकतर जो अभिलेख हैं वो लिखे गए हैं और उनके अक्षरों को प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना करते हुए प्रारंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार इस बात का अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे गए। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप्स नामक विद्वान ने अशोक के लेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, तो आप ध्यान रखेंगे जेम्स प्रिंसेप्स। दूसरी लिपि है खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिमोत्तर भाग में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे हैं। तो अशोक द्वारा जो लिखे गए लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्टी लिपि में भी हमें प्राप्त हुए। उसके द्वारा बनाए गए सिक्कों से हमें उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है, राजाओं की जानकारी मिलती है। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपियों ने पढ़कर इसका सही अर्थ निकाला। प्रिंसेप्स ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, अतः लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया था। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य मिले। यह अशोक का एक स्तंभ लेख है, उस पर यह जो भाषा है वो लिखी गई है। अशोक के अभिलेखों का पता लगाने का कार्य अत्यंत कठिन था, परंतु इन शिलालेखों को पढ़ने का कार्य इससे भी कठिन था। 1801 में प्राप्त इन शिलालेखों को नकलें एशियोटिक रिसर्चिंग में प्रकाशित हुई। इलाहाबाद स्तंभ की नकल 1834 में प्रकाशित की गई। 1837 में प्रिंसेप्स ने दिल्ली तोपरा के स्तंभ लेख की संपूर्ण नकल छपवाई, अर्थात विभिन्न तिथियों में 1834 में 1837 में इन अशोक के इन अभिलेखों को पढ़ा गया चार्ल्स प्रिंसेप्स के द्वारा। 1831 में उसने धोली और गिरनार के लेखों का अनुवाद प्रकाशित करवाया। 1840 में नोरिस ने प्रथम बार साहबजगढ़ी शिलालेख को पढ़ा। इसी वर्ष ही किट्टो ने भावरूप शिलालेख को पंडित कमलाकांत की सहायता से पढ़ा एवं उसका अनुवाद। 1879 में जनरल कनिंघम ने कार्पस कप्सन इंडिकेरम नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1925 में कार्पस का नया संस्करण हाल्टस द्वारा छापा गया। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर भंडारकर एवं मुखर्जी की पुस्तकों में अशोक के शिलालेखों के अनुवाद मिलते हैं। तो यहाँ से ये तथ्य ज्ञात होता है कि विभिन्न इतिहासकारों ने अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेखों का अध्ययन किया
उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। इतिहासकार एवं अभिलेखा शास्त्रियों के काम करने का तरीका पता लगाने के लिए ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अभिलेख स्रोत राजा के आदेश होते थे। अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसने अपनी उपाधियां, क्योंकि अशोक ने देवानाम प्रियदर्शी का प्रयोग किया है, अर्थात देवताओं का अर्थ है, देवानाम प्रिय का अर्थ है देवताओं को प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ है देखने में सुंदर। तो अशोक का नाम मास्को, गुर्जरा, नेत्रु, उद्रगुलसम लेखों आदि में मिलता है। तो इन्हें अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात बच्चों अभिलेखा शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनकी विषय शैली, भाषा, पुरातत्व विज्ञान सभी में समानता है। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये सभी एक ही शासक ने बनवाए थे, क्योंकि अशोक को विभिन्न उपाधियां धारण की थी अशोक ने, तो उससे ज्ञात होता है कि जो ये अभिलेख थे ये सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाए गए थे। अशोक ने अपने अभिलेख में कहा है कि उनसे पहले शासकों ने रिपोर्ट एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं की थी। इतिहासकार को बार बार इनका परीक्षण करना पड़ता था, जिससे पता चल सके कि उनमें क्या लिखा है। अभिलेख शास्त्रियों शब्दों का अर्थ समझने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग भी करते थे। कलिंग युद्ध का अशोक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने भयंकर रक्तपात सदा के लिए तोबा कर दिया, अर्थात जो सम्राट अशोक थे वो पहले हिंसा के पुजारी थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने उसको त्याग दिया और पूरी तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उसकी यह वेदना प्रदर्शित करने वाला कोई अभिलेख आधुनिक उड़ीसा कलिंग में नहीं मिला। इसका अर्थ यह हुआ कि राजा की इस नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ न कह सका। राजा के आदेश। राजन देवानाम प्रियम प्रियदर्शी प्रजा के कार्य करने के लिए सदैव उद्यत रहता था, अर्थात अशोक हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता रहता था। उसने अपने छठे शिलालेख में घोषणा की थी कि हर क्षण हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर में हो, अंतःपुर में हो, उद्यान में हो, अर्थात कहने और समझने के तात्पर्य यह है कि वह राजा कौन, सम्राट अशोक ने यह घोषणा की थी कि मैं कहीं भी हूँ, किसी भी समय हूँ, और यदि प्रजा को मेरी आवश्यकता है, प्रजा के कार्यों की कोई आवश्यकता है, उनकी कोई समस्या है, तो मुझे स्वयं तुरंत सूचित करें। क्या कहा उन्होंने, मेरे प्रतिवेदन को मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें, मैं जनता का कार्य करने में कभी भी नहीं आघाता, मुझे प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए, अर्थात सम्राट अशोक हमेशा प्रजा के हित की भलाई के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे। राजा की वेदना 261 ईसा पूर्व अपने, तो सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, 261 ईसा पूर्व उनका राज्याभिषेक हुआ। 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय युद्ध छेड़ दिया था। 13वें शिलालेख में युद्ध की भयानकता का उल्लेख है। इसमें 150,000 व्यक्ति जो है बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, लाखों लोग मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई, इससे भी कई अधिक गुना मारे गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने का महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, अर्थात कलिंग युद्ध में भारी जानमाल, यहाँ तक कि विभिन्न जो ब्राह्मण थे, श्रमण थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे, उनके अपने चिर परिचित मारे गए, और जिससे बाद में जो सम्राट अशोक है उसका हृदय दया से भर गया और उसने कभी भी भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी भी एक सीमा तक होती है, कभी कभी तकनीकी सीमा होती है, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिसे पढ़ पाना कठिन होता है, साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, अक्षर लुप्त भी हो सकते हैं। तो अभिलेख हैं जो लिखे गए हैं बच्चों, वह लिखा हुआ नष्ट भी हो सकता है,
जिससे क्या है कि जो अर्थ हैं, शब्द हैं, उनके वास्तविक अर्थ क्या हैं उसको सदैव समझ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान पर या समय से संबंधित होते हैं। तो अर्थ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थ भी हो सकते हैं, तो इसलिए उनको यदि वो वहाँ से नष्ट हो गए हैं तो उनको समझना मुश्किल हो जाता है। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए परंतु सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सकते या प्रकाशित नहीं किए जा सकते, इसके अनुवाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अभिलेख ऐसे रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित रहे होंगे, इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुछ अभिलेखों के अंश मात्र हैं। अर्थात यही कहा जा सकता है कि जो अभिलेख पढ़े गए हैं वो बहुत कम। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या जरूरी नहीं है कि आज हम राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, इन अभिलेखों में अंकित किया गया है, उदाहरणार्थ खेती की दैनिक प्रतिक्रिया में दैनिक जीवन के सुख दुख का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात लोग क्या कृषि का कार्य करते थे, दैनिक जीवन में क्या सुख दुख कैसा था, उसका वर्णन नहीं है। प्राय अभिलेख बड़े विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं, अर्थात ऐसे अवसरों का इसमें उल्लेख किया गया है जो राज्य स्तर पर बड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाता, ये बात भी सही है कि जो अभिलेख बनवाए गए थे राजाओं ने वे केवल उन्हीं राजाओं के बारे में ही सूचनाएं देते हैं। अतः इन अभिलेखों को व्यक्त करने की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी जिससे अपने अतीत का बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सके। अभिलेख में जनसाधारण के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इन अभिलेखों में क्या है कि साधारण लोगों की आम जनता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अभिलेखों की प्रशस्ति और यशवर्धन हेतु प्रयोग किया गया राजनीति के आर्थिक विकास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। इतिहासकार प्राय प्राचीन एवं आवर्चीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशक एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार मुख्य रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न राजनीतिक सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इतिहासकारों का उद्देश्य समाज के वर्गभेद और उनके कारकों के विषय में जागरूक करना होता है। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जा सके एवं विश्लेषण की नई विधियां विकसित हो सके। तो बच्चों इस प्रकार ये लगभग हमारा चैप्टर समाप्ति की ओर है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसको आप याद करेंगे, 327 से 325 सिकंदर का आक्रमण और अशोक का शासनकाल और शुंगमित्र का अंत, इसके अलावा 78 ईसा पूर्व कनिष्क का राज्य रोहन, इसके अलावा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय दक्षिण में वाकाटक और 606 कन्नौज के राजवर्धन हिंसांग की यात्रा और अरबों की सिंध पर विजय 712 ईस्वी, इसके अलावा आप बंगाल एशियोटिक सोसाइटी का गठन 1784, ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इसके अलावा 1837 जेम्स प्रिंसेप अभिलेखों का अर्थ ज्ञात करना, इसके अलावा है जो महत्वपूर्ण हो सकती है 1888 एम्पीग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ, 1965 डी सी सावरकर ने इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। तो इस प्रकार ये बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं इतिहास में जो आपको उनको भी स्मरण करना है, याद करना है। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से पूर्ण होता है बच्चों। काफ़ी लंबा चैप्टर था जिसको काफ़ी समय लगा, इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आपको इसका होमवर्क भेजा जाएगा जिसको आप अपने फेयर रजिस्टर में पूरा करके विद्यालय में आकर चेक कराएंगे। धन्यवाद।